हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कृष्ण कुमार लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है सवाल मेरे हर एक वीडियोस में, मेरे अलॉय व्हील्स के बारे में। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय, तो यार आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैंने रखे हैं इसमें जो मुझे कवर करना। तो गाइस आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट मैं रखूँगा जो प्रेफरेंस होता है ज़्यादातर लोगों का, डिज़ाइन। बेसिकली दो तरीके के डिज़ाइन होते हैं, एक तो अपना मर्सिडीज या फिर एस वाला जो होता है जो देसी भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक होता है जो प्रॉपर एक मतलब थोड़ा फॉर्मल सा लुक आता है जिसमें कि आप बहुत सारे स्पोक्स होते हैं जिसमें, तो वो एक लुक होता है। तो फर्स्ट आते हैं जो मर्सिडीज या फिर ट्रायंगल या फिर डायमंड शेप या फिर एस वाले, जितने भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस तरफ अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जितने भी ये अलॉय व्हील्स होते हैं इस डिज़ाइन के, तो ये वाले अलॉय व्हील्स कौन से बुलेट के लिए ज़्यादा अच्छे हो? तो जैसे मर्सिडीज वाला है, लेट्स से कि एग्जांपल हम लेते हैं मर्सिडीज वाले का, ठीक है, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है, जब पहिया घूमता है काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप 10, 20, 30 की स्पीड पे हैं तो फिर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एंड डेफिनेटली एक हेड टर्नर है वो, ठीक है। तो आप उसको परचेज कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा रनिंग नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट में घूमते हो या फिर अपने घर में, घर के आसपास कहीं पे आप जो है अपनी बुलेट को चलाते हो एंड आप कहीं दूर नहीं जाते, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो ये अलॉय व्हील्स होते हैं, चाहे एस वाले हो, डायमंड शेप हो, ट्रायंगल वाले, मर्सिडीज वाले हो, राइट, इन सब में क्या होता है, जो गैप आप देखोगे ना, तो जैसे दो जॉइंट होते हैं रिम जो उसका होता है, जो गोलाई होती है उसके जो दो जॉइंट्स होते हैं जो बांध के रखता है पूरे अलॉय व्हील को, वो बहुत मतलब दो या तीन जगह ही होते हैं एंड गैप ज़्यादा होता है। अब अगर ऐसे अलॉय व्हील्स के साथ आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो या फिर आप नॉर्मल हाईवेज पे या फिर सिटी के अंदर आप चला रहे हो, कहीं पर अचानक से कोई गड्ढा आ गया, तो फिर वो इम्पैक्ट जो है वो गैप वाले हिस्से में ज़्यादा आएगा एंड जिस वजह से आपका अलॉय बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, राइट। तो इस वजह से जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोकल में चला रहे हो तो फिर मर्सिडीज या फिर जो भी वो वाले देसी लुक वाले जो डिज़ाइंस हैं वो आप प्रेफर करें। अब आते हैं हमारा जो फॉर्मल लुक वाला जो होता है, जैसे मेरे बुलेट में आप लोगों ने देखा हुआ है कि 13 स्पोक का अलॉय व्हील है, वैसे 18 आते हैं, 21 आते हैं, अलग अलग स्पोक्स के आते हैं, 11 आते हैं, तो 6 आते हैं, राइट। आई गेस जो रॉयल एनफील्ड का होता है वो 8 स्पोक वाला है, राइट। तो ये वाले जो होते हैं ये थोड़े ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं एंड जब मल्टीपल जॉइंट होता है एंड गैप काफ़ी कम रहता है जॉइंट्स के बीच में, तो फिर इम्पैक्ट उतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। जब आप गड्ढे में गिरते हो, अगर गिर गई गलती से गड्ढे में गाड़ी, तो फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना ज़्यादा आपको ट्रायंगल वाले में होगा। इम्पैक्ट तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप एक तरीके से चलाते हो तो फिर आप उसको लंबा भी चला सकते हो, बट कोई भी अलॉय व्हील जो है वो सेफ नहीं है, चाहे वो कंपनी फिटेड ही क्यों ना हो या फिर कंपनी का दिया हुआ क्यों ना हो, कोई भी अलॉय व्हील जो है वो पूरी तरह से 100% सेफ नहीं है, ये आपको याद रखना है। बट जहाँ तक डिज़ाइन की बात आती है, अगर आप सिटी में रोज़ जो है 70-80 किलोमीटर राइड करते हो तो फॉर्मल शेप वाले जो मल्टीपल स्पोक वाले अलॉय व्हील्स आते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं आपके लिए, चाहे आप स्टैंडर्ड चला रहे हो, चाहे आप बुलेट एक्स चला रहे हो या फिर चाहे आप क्लासिक चला रहे हो, राइट, या थंडरबर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अब सबसे मेन चीज हम बात करते हैं कि हमें परचेस कहाँ से करना है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको परचेस कहाँ से करना चाहिए। आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम से परचेस करना चाहिए आपको या फिर आप किसी भी लोकल मार्केट पे जा सकते हो। तो इसका भी एक तरीका है कि आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसका एक तरीका है। अब हम पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम से अगर आप परचेस करते हो तो फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम से परचेस करते हो, पहली चीज, किसी किसी शोरूम पे आपको वो वारंटी दे देंगे। अगर आप क्लासिक मॉडल है आपका
तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रॉयल एनफील्ड से ही लो। आपको हालांकि कोई डिजाइन नहीं मिलेगा, अलग अलग डिफरेंट शेप या फिर डिफरेंट डिजाइन नहीं मिलेंगे, बट रॉयल एनफील्ड के जो जेन्युइन वाले अलॉय व्हील्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिक और थंडरबर्ड मॉडल के लिए ही आते हैं, बाकी किसी और मॉडल के लिए अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो फिर वो एक तरह से रॉयल एनफील्ड का ही वो प्रोडक्ट है, रॉयल एनफील्ड का ही वो प्रोडक्ट है, तो फिर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई रिस्क ज्यादा नहीं आएगा उसमें। आप उसको बेझिझक चला सकते हो, जो आपका BS6 मॉडल है ब्लैक कलर का, या फिर BS6 मॉडल आपका गन मेटल ग्रे है, उनमें ऑलरेडी आती है लगी लगाई, राइट। तो ये हो गया अगर आपका क्लासिक मॉडल है, बट ज्यादातर लोगों का होता है स्टैंडर्ड मॉडल पे सवाल के स्टैंडर्ड मॉडल पे जो है अलॉय व्हील कौन सा लगाना चाहिए और कहाँ से लगाना चाहिए, राइट। तो अब आते हैं शोरूम वाले पार्ट पे, कि शोरूम पे आप गए और आपने स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो परचेस किया। अब स्टैंडर्ड मॉडल परचेस करने के बाद वो बोलते हैं सर आप अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर हमारे यहाँ से लगा लो, इतना एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेट्स से कि मैं जब गया था तो फिर उन्होंने बोला 14,500 रुपये या 15,000 रुपये के आसपास उन्होंने बोला एक्स्ट्रा पड़ेगा, आप जो है टायर्स लगा सकते हो ट्यूबलेस और साथ साथ अलॉय व्हील्स लगा सकते हो। बट जब मैंने उनके साथ बार्गेनिंग करी तो फिर वो करीब 10,000 के आसपास वो आई गए थे, बट 10,000 रुपये में वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अलॉय व्हील्स दे रहे थे, टायर्स जो ऑलरेडी मेरे लगे हुए थे वही टायर वो लगा के देने वाले थे, ठीक है। तो जब आप अलॉय व्हील्स परचेज करते हो शोरूम से, वो आपको बोलते हैं कि सर इसमें हम जो है इंश्योरेंस को इंक्लूड कर देंगे, सो दैट कि अगर आपके अलॉय व्हील में कोई डैमेज होता है तो फिर आप इंश्योरेंस क्लेम करके अलॉय व्हील नए डलवा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आता है कैच। कैच क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने अलॉय व्हील्स तो डलवा लिए शोरूम से, राइट, एंड रास्ते में चलते चलते आपके अलॉय जो है वो डैमेज भी हो गए गड्ढे में गिर के। तो आप एक बात बताओ, आपकी 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है, लेट से 1.5 लाख रुपए की बुलेट है और आपका जो भी IDB उसमें वैल्यू होगा डेफिनेटली 1,30,000 20,000 या 1 लाख का जो भी IDB वैल्यू होता है तो वो रहेगा उसमें, राइट। अब आपने क्या करा कि अलॉय व्हील्स को इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करा, तो आपका तो वो इंश्योरेंस में दिख गया कि आपने क्लेम किया है, आपने क्या क्लेम किया है वो तो नहीं दिखता, दिखता है कि आपने क्लेम किया है, राइट। अब जब आप बाद में फॉर एग्जांपल कि आप उसको बेचना चाहते हो तो आपको आपके इंश्योरेंस में दिखता है कि आपका आपकी जो गाड़ी है वो क्लेम हो रखी है इंश्योरेंस में, तो कोई डैमेज हुआ है, एक्सीडेंटल है शायद, तो फिर कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। दूसरी चीज, जब आप नेक्स्ट ईयर अगर आप बेच भी नहीं रहे हो एंड आप अपने पास रख रहे हो, नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस दोबारा से प्रीमियम भरते हो तो फिर क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ था तो फिर IDV वैल्यू अपने आप ही घट जाती है, राइट। तो फिर ये तो आपका नुकसान है, राइट। आप 10,000 के अलॉय व्हील्स के लिए 1.5 लाख की IDV वैल्यू या 1,30,000 की IDV वैल्यू को तो घटाना नहीं चाहोगे, राइट। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप अलॉय व्हील्स शोरूम से परचेज करो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस दे आर गिविंग। तो इंश्योरेंस का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। बाकी आप का खुद का चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हो तो फिर वो कंप्लीटली आपका चॉइस है, ठीक है। अब आते हैं प्राइस फैक्टर पे। प्राइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप शोरूम से परचेज करते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा महंगा ही मिलता है, बट एक चीज की श्योरिटी होती है कि आप शोरूम से लेते हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत रहता है कि ये जेन्युइन हो सकता है, आपको 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं है। वहां भी उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, पराडो राडो किंग्सवे ये सारे ब्रांड्स के उनके पास भी होते हैं, और जो डिजाइन आपको पसंद आता है वो आप लगवा सकते हो उनसे, राइट। तो आपको एक ही जगह पे सारे आपको पता चलता है कि एक जेन्युइन चीज होगा, क्योंकि आप रॉयल एनफील्ड से खरीद रहे हो, राइट। ये एक फैक्टर है कि आप अगर उनसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। अब आते हैं शोरूम को, शोरूम के ये रीजंस होते हैं आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। एंड अगर अभी हम जाते हैं मार्केट पे, अगर आप मार्केट पे जाते हो एंड जाके वहाँ पे परचेज करते हो, पहली चीज कि आपको कोई वारंटी उसमें कहीं कहीं पे बोल देते हैं कि वारंटी है, बट डेफिनेटली डैमेज पे कोई वारंटी आपको नहीं देता है, ठीक है। वो वारंटी जो देते हैं वो अंदर वाले गोलाई पे अगर क्रैक आ जाता है या फिर कुछ उसमें दिक्कत आती है तो ही होता है, बट बाहर जो आउटर सर्कल जो होता है तो उस पर कोई डैमेज वगैरह कोई क्रैक वगैरह कवर नहीं होता है, तो वारंटी का वहां पे भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज आती है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वहां पे तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, वैसे भी मेरे लिए इंश्योरेंस जो है वेस्ट ऑफ मनी है कि आप अलॉय व्हील्स पे लगाओ,
तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। एंड देन उसके बाद आते हैं हम कॉस्टिंग और उसके क्वालिटी की, जेन्युइनिटी की। तो कॉस्टिंग जो है वो आपको डेफिनेटली 3,500-4,000 से लेके 10,000 तक के कॉस्टिंग में रेंज में आपको मिल जाता है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जेन्युइन है या नहीं है। आपको बड़े बड़े शोरूम्स भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े दुकान भी, शॉप्स भी मिल जाएंगे। जैसे आप करोल बाग में जाते हो, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं वहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ बट है, तो बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं, आप उनसे अच्छी चीज़ भी ले सकते हो। सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी, तो फिर हो सकता है आपको सस्ती चीज़ भी आपको चेप दे, राइट। तो आपको नहीं पता चलता है कि जेन्युइन है या नहीं है। बट हाँ, एक तरीका है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल के वहाँ पे 2-3 बड़े शॉप्स पे आप गए, कुछ लोकल वेंडर्स पे गए, लेट्स से कि 5-6 दुकानों पे आप गए वहाँ पे, और छोटे और बड़े दुकानों पे, एंड आपने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन आपने सेलेक्ट कर रखा, आपके दिमाग में है कि आपको मर्सिडीज वाला लेना है, या फिर आपको एस वाला लेना है, या फिर आपको 13-spoke या 16-spoke वाला लेना है, आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने एक दुकान पे देख के सारे लुक में डिसाइड आपने जज कर लिया। अब वही सेम लुक वाला, वही सेम डिजाइन शेप वाला अलॉय व्हील आपको और 5 दुकानों पे देखना है, उठा के खुद से चेक करना है, एंड ब्रांडिंग वगैरह सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। आप चाहो तो फोटो भी खींच सकते हो, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप कर लेते हो, एंड जब आप 5-6 दुकानों पे जाते हो और एक ही शेप के अलॉय व्हील्स को उठाते हो और चेक करते हो, तो आपको पता चल जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, पूरी तरह सही ना सही बट थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कौन से वाले शॉप पे आपको ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के आपको अलॉय व्हील्स दिखे। और ये सबसे ईजी तरीका होता है। देखो, आप जब अलॉय व्हील्स या फिर कोई भी गाड़ी का काम करवाने जाते हो, आपको पूरा दिन तो लग ही जाता है, तो फिर इट्स बेटर कि आप एक प्रोडक्टिव तरीके से आप परचेज करो उसको, आप पूरा दिन लगाओ, टाइम लो अपना, या फिर एक दिन आप जाओ 10 दुकानों पे घूम के देखो सेम डिज़ाइन का, एंड देन उसके बाद आप वापस जाओ किसी दूसरे दिन अगर पॉसिबल है, या फिर सेम डे आप शाम को जाके परचेज कर लो जो वाला शॉप आपको पसंद आया। तो ये एक तरीका होता है। एंड कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 3,500 या 4,000 से स्टार्ट हो जाता है, होलसेलर इतने में दे देते हैं, एंड अप टू 10,000। बट जो आपको लो रेंज में या फिर सस्ते प्राइस में आता है, तो फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो कितना जेन्युइन है और उसका मटेरियल कितना अच्छा है या चीप है। डेफिनेटली चीप ही होगा, तभी इतना सस्ता दे रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं फाइनल मेरे अलॉय व्हील्स के बारे में। मैंने अपने अलॉय व्हील्स कहाँ से परचेज करे थे? मैंने अपने अलॉय व्हील्स परचेज करे थे जो शोरूम के बराबर में एक शॉप था, तो उन्हीं से ही। और ऐसे शॉप से लेने का फ़ायदा क्या होता है, मुझे डेफिनेटली थोड़ा महंगा मिला, 6,500 रुपये के अलॉय व्हील्स मिले, जबकि करोल बाग में 5,500-6,000 रुपये मिल जाते। बट इनमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि शोरूम के बराबर में ही शॉप था, तो फिर हर रोज़ शोरूम से 4-5 गाड़ियाँ, या फिर 2-3 गाड़ियाँ, या फिर हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ियाँ निकलती हैं, राइट। निकलते ही कस्टमर की जो नज़र है वो साइड वाले शॉप पे जाती है, ओ इनके पास तो इतनी सारी एक्सेसरीज है, यहीं पे लगा के चला जाता हूँ, राइट। तो ऐसा बंदा अपने बिजनेस को कभी ख़राब नहीं करना चाहेगा, वो हमेशा जेन्युइन ही चीज़ें रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे लंबे टाइम के लिए बिजनेस चलाना है, और यहाँ पे मुझे बैठे बिठाए कस्टमर्स मिल रहे हैं, और जो कि एकदम ब्रांड न्यू कस्टमर्स मेरे को मिल रहे हैं रोज़ बरोज़। तो अगर मैं कोई ख़राब चीज़ बेचता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, तो मेरा नाम ख़राब हो सकता है, राइट। उसका एक कॉम्पिटिटर है रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड के शोरूम के अंदर भी वही सेम एक्सेसरीज और अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इनके पास मिल रहे हैं, राइट। तो उनके साथ कम्पीट अगर करना है, तो फिर क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो ये रीजन था मेरा वहां से परचेज करने का, और मैं करोल बाग में ही गया। अब चलिए देखते हैं मेरे वाले अलॉय व्हील्स के बारे में, डिटेल्स में जानते हैं, और टायर्स कौन से उसमें लगे वो डिटेल में जानते हैं। चलिए चेकआउट करते हैं। तो यार गाइज, ये है मेरी बुलेट के अलॉय व्हील्स, जैसे आप देख सकते हो, राइट। ये 13-spoke वाले अलॉय व्हील्स हैं, एंड आगे और पीछे दोनों 19-inch के टायर हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, मैं आपको एक बार एक क्लोज़अप भी दिखा दूंगा कि इसमें टायर का जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली कितना है। जो आगे वाला टायर है, क्या हो रहा है, हाँ अब आई गेस आपको दिख रहा होगा, 90-90-19, ठीक है, 90-90-19 का जो है ये MRF के नाइलो ग्रिप जैपर, ये आप देख सकते हो, ये है जैपर वाले, नाइलो ग्रिप जैपर वाले टायर्स हैं, राइट। एंड जो अलॉयज़ हैं वो 90-90-19 का। जो डायमेंशन है इसका, बेसिकली जो आता है
स्टैंडर्ड का ओरिजिनल जो इसका डायमीटर आता है वही सेम ही है, तो इसकी हाइट जो है वो सेम ही है। एंड अगर आप पीछे वाले एलॉयस के बारे में बात करो तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे भी 90 और 19 का है। अगर आप देखो ये 110 90 19 है, आई गेस आपको शायद अभी नहीं दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पे अंधेरा सा हो रहा है अभी, राइट शाम हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 110 90 19 का टायर है पीछे मेरे, ठीक है। एंड ये वाले जो है ये मीटियोर है, MRF के मीटियोर वाले हैं। ये बेसिकली आप ऑफ रोडिंग वाले आप बोल सकते हो, थोड़े से डिज़ाइन इसका जो है ये ऑफ रोडिंग वाला ही है, ठीक है, ये ऑफ रोडिंग वाला डिज़ाइन है। एंड आगे जो है आपका बेसिक कम्यूट करने के लिए सिटी में भी एंड थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको काम आ सकता है, राइट। तो ये है मेरे वाले अलॉय व्हील्स और टायर्स, राइट। तो बस फाइनल एक कंक्लूजन पे आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि रादर देन गोइंग टू अ शोरूम, आप रॉयल एनफील्ड पे ना जाके आप किसी भी लोकल शॉप पे जाके अच्छे से कंपेयर करके, 5-6 शॉप पे कंपेयर करके देन उसके बाद आप जो है परचेज कर सकते हो अलॉय। तो ये था आज का वीडियो अलॉय व्हील्स के ऊपर, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थोड़ा लंबा है वीडियो आई नो, बट इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा ज़रूरी था। एंड जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास बुलेट है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। व्यूज़ काफ़ी आते हैं वीडियोज़ पे बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें मेरी एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए, अभी भी मास्क पहन के बाहर निकलिए अगर ज़रूरत है तो। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय।